हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज की वीडियो में बैक नेक डिजाइन बनाएंगे। ये हमारा बैक का कपड़ा है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी लंबाई ले ली है 11 इंचेस। इसकी फुल लेंथ जो हम लेंगे वो 11 इंचेस लेंगे, और यहाँ इसकी चौड़ाई लेंगे 3 इंचेस, ठीक है। यहाँ से हमने 11 इंचेस नाप लिया है, और बैक साइड पे 3 इंच का निशान लगा लेंगे। बस उसको सीधा स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे हम नीचे की साइड गोल शेप देखिए, वहाँ आधा इंच बाहर की साइड लेंगे, आधा इंच, और उसको गोल शेप दे के इसको कंप्लीट करेंगे। आप चाहे तो कोई सा भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कट कर लेंगे, जिस जहाँ जैसा हमने निशान लगाया है वैसे ही इसको कट कर लेंगे। ये कोन की तरह आ गया ऊपर से, और नीचे गोल गोल डिजाइन डाला है हमने, ठीक है। ऊपर साइड से कौन सा है और क्या। अब इसको हम कच्चा कर लेंगे। अस्तर और ये मेन कपड़ा जो है, इन दोनों को हम कच्चा कर लेंगे एक तरफ से, ताकि इसमें जब हम डिजाइन जब इसको सिलाई लगाए जिसको डिजाइन बनाए तो इसमें कोई भी झोल ना आए, इसलिए हम इसको दोनों को पकड़ के कच्चा कर लेंगे। ठीक है, ये हमने कच्चा कर लिया है। इसको अच्छे से फैला लेंगे, बिल्कुल भी झोल नहीं आना चाहिए। इसको बहुत ही अच्छे से सफाई से बनाएंगे तो उसकी शेप जो है बहुत अच्छी लगती है पहनने पहन के। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जो अस्तर था हमारा जिसपे हम गला बनाने वाले हैं उसको इसके ऊपर बिछा लिया है, और हम इसको भी इसके साथ कच्चा कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमने कच्चा कर लिया है, और अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे। आधा आधा इंच मार्जिन रख के हम इस पे किनारे की सिलाई लगा लेंगे, आधा आधा इंच। अगर आपको आधा इंच दिक्कत आ रही है, निशान नहीं पता, तो आप आधा आधा इंच का निशान लगा के और फिर इस पे सिलाई लगा लें। ये हमने कपड़े बनाया है, वैसे बुकरम पे ही बनता है, बट बुकरम पे थोड़ा सा इधर उधर होने का दिक्कत रहता है, कभी उसका सेंटर नहीं आता, तो इसलिए हमने इसे फैब्रिक पे बनाया, और फैब्रिक हमारा बिल्कुल सेंटर पे था जैसे हमने कट किया था। तो ठीक है, ये हमने सिलाई लगा ली है, और ये हमने यहाँ पे हमारा सेंटर था तो हमने वहाँ पे सेंटर पे कौन सा बना लेना है अच्छे से फिनिशिंग के साथ, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ से जो कच्चा किया था उसको निकाल देंगे, और इसके साइड से 1-1 इंच नाप के हम इसको कट कर लेंगे। और यहाँ से भी पहले इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, अस्तर जो हमारा एक्स्ट्रा है, उसको हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम पीछे की साइड से 1-1 इंच नाप के वहाँ से भी कपड़ा एक्स्ट्रा जो है वो कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने जो आधा आधा इंच निशान लगा के जो सिलाई लगाई थी उसके बराबर हम ये अस्तर को काट लेंगे। उसके बाद इस पे हम हल्के हल्के से कट्स लगाएंगे, जिससे कि हमें फोल्ड करने में आसानी होगी और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। देखिए, ये हमने कपड़े के बराबर रख के इसको काट लिया है अच्छे से। इसके बाद हम ये जो हमने कच्चा लगाया था इसको भी निकाल लेंगे। ये हम कट्स लगा रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी गोल कपड़े को जो हमने गोल सिलाई लगाई है उसको फोल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कट्स लगाने होते हैं। कट लगाते हैं जो बिल्कुल सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिलाई से जस्ट अ सेकंड पहले हमें से कट करना है, उसके बाद सिलाई के बाद नहीं करना है, नहीं तो हमारा कपड़ा जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेंटर था जो हमने कट कर लिया है, और यहाँ से भी हम पूरे
शेप को कट कर लेंगे गोल शेप को, और उसके बाद हम यहाँ से कच्चा निकाल देंगे। ठीक है, हमने कच्चा निकाल दिया है। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम काट लेंगे, 1-1 इंच नाप के हम इसको काट लेंगे, और इसको फिर फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड, इसको कपड़े को फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो इसे प्रेस मार लें, प्रेस कर लेंगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। वैसे मैंने इसको डायरेक्ट ही कच्चा किया है, आप चाहें तो पहले इसको प्रेस कर लें ताकि आपको आसानी हो इसको फोल्ड करने में। ठीक है, ये हमने सेंटर पे भी अच्छे से इसको शेप दे दी है, सेंटर की शेप अच्छी आनी चाहिए, बाकी आपकी। ठीक है, तो अब हम इसको अंदर के साइड फोल्ड कर देंगे, दोनों कपड़े को पकड़ के अंदर के साइड फोल्ड कर करके हम यहाँ पे कच्चा कर लेंगे पूरे ही गले को अच्छे से, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, कहीं पे भी झोल नहीं आना चाहिए। ठीक है, अंदर कपड़ा फोल्ड करके हम इसको आधे आधे इंच पे ही फोल्ड कर देंगे। ऐसे ही हम पूरे कपड़े पे सिलाई लगा देंगे हाथ से। हाथ से सिलाई लगाने से क्या होता है कि हमारी जो फिनिशिंग है वो अच्छी आती है। जो परफेक्ट लोग होते हैं वो सिलाई लगाते हैं, बट सिलाई लगाने से क्या होता है कि कहीं कहीं पे झोल आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कच्चा कर लेंगे, उसके बाद ही इस पे लेस लगाएंगे। लेस लगाएंगे तो उसके बाद हमें इस पे सिलाई लगाने की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं, तो क्या, तो फिर हम इसको लेस से ही कवर कर लेंगे, हमें सिलाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। बहुत ही हल्के हाथों से फिनिशिंग के साथ इसको फिनिशिंग देते हुए हम इसको फोल्ड करते हुए चलेंगे आगे। ओके, यहाँ पे हमारा ये कच्चा का काम जो है वो पूरा हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। लेस पतली सी लेस लें ताकि इसको गोलाई देने में आसानी हो, तो पतली सी ही लेस लें ताकि उसको लेस को लगाने में उसकी फिनिशिंग भी ना खराब हो और देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो हम क्या करेंगे, सिंगल जो लेस है उसको ही डबल कर लेंगे, पतली सी लेस को डबल करके लगाएंगे इस पे हम। ठीक है, ये ऐसे करके लगेगा, पर हम इसको डबल करके लगाएंगे ऐसे, ये एक साइड ऊपर की साइड रहेगा और इधर वाला नीचे के साइड पे। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको पहले लगा लेंगे, ये हमने कच्चा कर लिया था जो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम पहले इसकी फर्स्ट लेयर लगाएंगे, उसके बाद हम इसको सेकेंड बार लगाएंगे। कोशिश करें कि आप पतली सी ही लेस लगाएं, क्योंकि पतली सी जो लेस होती है वो जल्दी से शेप ले लेती है, बट जो 1 या 1.5 इंच की लेस होती है वो शेप लेने में दिक्कत करती है, शेप अच्छे से नहीं आ पाती है उससे। तो पतली सी जो लेस होती है वो शेप बहुत ही अच्छी ले लेती है, तो इसलिए हम यहाँ पे पतली सी ही लेस को 1 इंच का कर लेंगे, ये आधी इंच की लेस है। इसके बाद हम इसको दोबारा से ही लगा लेंगे तो 1 इंच की हो जाएगी, और वो देखने ही बहुत अच्छा लगता है। तो हम इसको ऐसे ही लगा लेंगे पूरे पे। यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है, अगर आप ठीक से नहीं लगा पाए हैं तो आप पहले उस लेस को कच्चा कर लें, उसके बाद इसको लगाएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना मुझे कि आपको ये तरीका कैसा लगा गला बनाने का, एंड लाइक कर देना अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो गला बनाने का तो। ठीक है, ये हमने फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर ली है, और ऐसे ही सेकंड लेयर भी कंप्लीट कर लेंगे। और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा नेक, बैक नेक तैयार है। आप ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए।